सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। ये है विद्युत शवदाह गृह, यानी कि ऐसा ओवन जिसमें शवों का दहन किया जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार इसी ओवन में किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें शव का दहन कैसे किया जाता है, और ये जो शवदाह गृह है ये भिलाई के रामनगर मुक्ति धाम में स्थित है। इसको नगर निगम पिछले कई दिनों से बना रहा था, इसके कई ट्रायल भी हुए, लेकिन आज पहली बार इसमें किसी शव का दहन किया जाएगा। और ये जो शव है वो है राधा श्याम कर्माकर का। आपको बता दें कि ये बिजली का जो शवदाह गृह है इसमें किसी भी तरह के लकड़ी या किसी घी तेल लोबान आदि को जलाने की जरूरत नहीं होती है, बस बॉडी अंदर जाती है और 2 घंटे में शव के दहन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि शव को जलाने के लिए, यानी शव के अंतिम संस्कार के लिए 550 से 600 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। जो शवदाह गृह है इसके अंदर जो हीटर लगा हुआ है एक तरीके का, वो ट्रांसफार्मर के जरिए इतनी बिजली पहुँचाता है कि इसके अंदर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, यानी ये कि दहकती हुई भट्टी के रूप में हो जाता है। अब आप देखिए कि कैसे इसके अंदर बॉडी जाती है और कैसे जो है उसका संस्कार कुछ ही घंटे में पूरा हो जाता है। ये पहले ईटा, बाद में ये ठीक। अब समझ लो 650 यहाँ आ गया, बॉडी तुम डाले, बॉडी डालने के बाद ये
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।